सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। ओ तैबा के जाने वाले जाकर बड़े अदब से, मेरा भी किस्सा है रब कहना शहे अरब से, कहना के शाहे आलम इक रंजो गम के मारे, दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा। जो आने वाली नई पौध है हा? उसके लिए राही मशल बन गए। तो ऐसे प्रोग्राम्स अगर होते रहे मुझे लगता है कि जो ड्रॉबैक्स टीचर्स में वो निकल जाएंगे और हम अच्छा नेशन जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं। कि ये मिशन स्कूल में भी अमलावर किया जाए, प्रोग्राम बार बार हो यहाँ पे, ताकि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले और हम भी आगे बच्चों को। ऐसे प्रोग्राम बार बार हो जाए हमारे बानहाल के अंदर। टीचर्स को ये सब चैलेंजेस एक्सेप्ट करने जाए, हमें हर चीज़ सीखनी है और सिखानी है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करो। 8-9 साल से हम ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, आज पहली ट्रेनिंग है कि हम 4:15 तक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन भी था, टीचिंग एड्स भी उनने लो कॉस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। वो बुकिश है कि लकीर के फकीर, जो बुक पे होता है तो वही पढ़ाते हैं। मेरा 13वां साल है इस मतलब डिपार्टमेंट में, तो आज तक इतनी इम्प्रेसिव और असरदार, और किसी सर ने कहा सुबह से हमने गाड़ी की तरफ नहीं देखा, ना कोई बोरिंग ना कुछ। जो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर बात आज मुझे लगी, मुझे याद आया, जो शबीर साहब है, जो सुपीरियर इन्फीरियर का गैप रहता है, इन्होंने आज खुद हमें जो सर्विस की, हमें अपनी जगह जो है बहुत बहुत अच्छा नहीं लगा, मगर इनको इनकी कुर्बानी से हम बहुत मुतासिर हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है बिल्कुल सर, इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों हम इस कार्यशाला को यहाँ बेनीहाल में कर रहे हैं? देखिए सर, आपने देखा है कि जेएनके स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने आज तक बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो डिफरेंट एरियाज में हमने किए हैं, जैसे जम्मू में किए, श्रीनगर में किए, लद्दाख में किए हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्लेन रीजन्स में किए हैं। तो आज जो यहाँ पर हम बानिहाल आए हैं ये प्रोग्राम करने के लिए, इसका बेसिक मकसद यही है कि हिली एंड रिमोट एरियाज के जो टीचर्स हैं, जो मिडल एंड प्राइमरी स्कूल्स में जो काम कर रहे हैं टीचर, जिनके पास कोई लेबॉरटरीज वगैरह की सुविधा नहीं होती है या जिनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो लो कॉस्ट नो कॉस्ट टीचिंग एड्स साइंस टीचिंग एड्स का जो ये वर्कशॉप है उसके माध्यम से हम यही उनको कन्वे करना चाहते हैं, उनको यही ट्रेन करने की कैसी छोटी चीज़ों को आप यूज़ करके उनको साइंस के इक्विपमेंट्स बनाएंगे, उनके ऊपर आप मतलब अपने बच्चों को उनकी उसकी जानकारी दे देंगे, जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो साइंस की एक्टिविटीज़ है। जैसे आपने सर आज देखा है कि बहुत सी एक्टिविटीज़ आज हमने ऑर्गेनाइज भी किए हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन ने आज डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, न्यूटन्स लॉ से शुरू किया है उन्होंने, और मतलब बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं। तो हमारे टीचर बहुत खुश हुए हैं कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो कैसे खुश हुए हैं वो कि कैसे ये कबाड़ से जिगाड़ जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं, कैसे हम उनको रीयूज़ करके अपनी लेबॉरटरीज में अपने बच्चों के लिए प्रैक्टिकल बना सकते हैं, उनके लिए वो अच्छी अच्छी चीज़ें बना देंगे ताकि वो साइंस के ऊपर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए। पहला एक्सपीरियंस है जब मैं अंदर के इलाकों में आया, यहाँ बनिहाल के इलाके। सर, टीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और टीचर्स सब जगह बहुत अच्छे होते हैं, बस टीचर्स को चाहिए थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा उन्हें ट्रेनिंग। हमारा जो मेन काम है, हमारा मेन उद्देश्य है कि जो टीचर्स हैं वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों को सीख सकें, अपनी डेली डे टू डे लाइफ से जोड़ सकें। NCSTC और DAST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रोजेक्ट यहाँ स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया, जो शब्बीर खां हैं और जागू सर हैं, उन सबको दिया गया, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज जो पहली बार साइंस की वर्कशॉप हुई उसका जो फीडबैक हम लोगों ने लिया, उसमें से कई साथी ऐसे थे जो पिछले कई सालों से, कोई 20 साल से, कोई 18 साल से, कोई 13 साल से इस तरह की कार्यशालाओं में लगातार जा रहा था, लेकिन पहली बार उन लोगों ने माना कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम 4:15 बजे तक किसी कार्यशाला में किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रुके हैं
और मजा आया है, दिल से रुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर पार्टिसिपेंट ऐसा सोचता है, जानता है और समझता है कि वो दिल से कुछ सीखना चाह रहा है। ये अपने आप में एक सफलता है पहले दिन ही इस कार्यशाला की।